हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। हम लोग अनियन का लेक्चर फोर में अनियन पढ़ रहे हैं। आज ये उसका पार्ट फोर है। पिछले तीन पार्ट में हम लोगों ने अनियन बल्ब क्रॉप का इंट्रोडक्शन और अनियन का जनरल इंट्रोडक्शन, उसका वैरायटी, सॉइल क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, और फिर तीसरे पार्ट में हम लोगों ने कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी पढ़ा कि किस तरह अनियन को प्रोपोगेट करते हैं, कि कौन कौन से मेथड हैं अनियन के, उसकी नर्सरी कैसे रेज करते हैं, और इरिगेशन और मैन्योर फर्टिलाइज़र, ये सारी रिक्वायरमेंट को डिस्कस किया था। अब ये उसी के कंटिन्यूएशन में अनियन में और कौन से दूसरे कल्चरल ऑपरेशन हैं उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है वी इंटर है ना, मैन्योर फर्टिलाइज़र और इरिगेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद है वीडिंग एंड इंटरकल्चर। वीडिंग कितनी करनी पड़ती है, इंटरकल्चर ऑपरेशन क्या है अनियन का। देखिए, अनियन में ये बल्ब, इसमें डेवलपमेंट होता है ना। तो इसमें प्रॉपरली बल्ब को डेवलप होने के लिए सॉइल का लूज बने रहना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी कॉम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। जब आप रेगुलर इरिगेशन करते हैं तो धीरे धीरे मिट्टी जो है पौधे के आसपास वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, और कॉम्पैक्ट हो जाने का मतलब कि एरेशन नहीं हो रहता है ना। तो इसलिए बल्ब जो है प्रॉपरली डेवलप नहीं करता। तो इसलिए अनियन में जैसे ही सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाए, आपको इसकी होइंग करानी पड़ती है, गुड़ाई करन, मतलब न, जो है पौधे सीडलिंग के आसपास मिट्टी को लूज करना पड़ता है। मैन्युअली आपको ये करवाना पड़ता है खुरपे की मदद से, ताकि सॉइल में एरेशन प्रॉपरली मेंटेन हो और बल्ब जो है बहुत अच्छे से डेवलप हो, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी खरपतवार पौधों के बीच में उग आते हैं उनको भी साथ ही साथ हटाते चलना चाहिए। तो वीडिंग और होइंग ये दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली चलता है, जिसमें कि अनियन को मतलब अनियन की निराई और गुड़ाई, जिससे कि प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, है ना। और वीडिंग के लिए अगर प्लांटेशन से पहले आपकी फील्ड में बहुत सारा वीड है और आपको लगता है कि ये आगे फिर जर्मिनेट कर जाएगा क्रॉप में, तो उससे पहले प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन भी कर सकते हैं। प्री प्लांट मतलब ट्रांसप्लांटिंग से पहले फील्ड में आप वीडिसाइड का एप्लीकेशन कर दीजिए, जैसे बेसिलिन है ना, जो है 45 दिन ट्रांसप्लांटिंग के पहले, सॉरी यहाँ पर बिफोर होना चाहिए, ट्रांसप्लांटिंग के पहले आपको जो है अप्लाई कर देना, जिससे कि सारी वीड जो है वो नष्ट हो जाए। और बाकी अगर उसके बाद प्लांटिंग के बाद फिर वीड होती है, तो वो आपको जो है निराई गुड़ाई के समय वो सफाई करते रहना है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग एंड ईल्ड। अनियन इज़ रेडी फॉर हार्वेस्ट इन 3 to 5 months आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। अब देखिए, हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाता है, निराई गुड़ाई और सिंचाई करते रहना चाहिए 3 से 5 महीने तक। उसके बाद 5 महीने के बाद आपका पौधा हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। पर ये पता कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा कि अनियन हमारा मैच्योर हो गया है? तो अनियन का एक मैच्योरिटी इंडेक्स होता है, बहुत बारी एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। अनियन का जो मैच्योर, कैसे हम जानेंगे कि मैच्योर हो गया है? अनियन का मैच्योरिटी इंडेक्स होता है नेक फॉल स्टेज। नेक फॉल का मतलब कि जो अनियन का जो प्लांट होता है, जो लीफ होती है, वो अनियन से जहाँ पर जुड़ी होती है नेक के पोर्शन पर, है ना, वो अपने आप गिर जाएगी, वहाँ पर ड्राई होकर के अपने आप वो गिर जाएगी। आप देखिए, जब अनियन मैच्योर हो जाता है, आप प्याज की फील्ड में देखिए, तो पौधा गिर जाता है ना, उसकी नेक के पास से, ज़मीन की सतह से थोड़ी ऊंचाई, नेक के पास से जो है अनियन का जो जो लीव्स होती हैं वो गिर जाती हैं। तो उसी को बोलते हैं नेक फॉल स्टेज। इस स्टेज पर जब नेक फॉल स्टेज हो जाए, तो आप समझ जाइए कि अब आपका अनियन हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। और फिर उसको सावधानी से किसी इक्विपमेंट की मदद से, आप उसको जैसे खुरपा वगैरह हो गया, या अनियन हार्वेस्टर आता है अलग से, उसकी मदद से सावधानी पूर्वक आप अनियन को हार्वेस्ट कर लेंगे। लगभग 15 से 25 टन के आसपास बल्ब का प्रोडक्शन होता है। ये अलग अलग वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करता है ना, और सीजन पे भी डिपेंड करता है। और बहुत अच्छी वैरायटी तो 30, 35, अबाउट 40 टन तक भी प्रोडक्शन देती हैं, है ना, 1 हेक्टेयर से, और रबी सीजन में। और खरीफ क्रॉप की ईल्ड थोड़ी सी कम होती है, 8 से 10 टन जो है वो कम होती है, ठीक
ठीक है, क्योंकि मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती है हमने बताया। दूसरा, खरीफ क्रॉप का जो अनियन है उसमें वाटर का कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि उसको लंबे समय तक के लिए स्टोर करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट है पोस्ट हार्वेस्ट, सॉरी पोस्ट हार्वेस्ट नहीं, रेनी सीजन का अनियन कल्टीवेशन, मतलब खरीफ का, वो भी देख लीजिए शॉर्ट में है। अनियन वॉज ग्रोन ड्यूरिंग रबी सीजन ओनली अपने नॉर्थ इंडिया में। डेवलपमेंट ऑफ वेराइटी सुटेबल फॉर रेनी सीजन इज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन अनियन ब्रीडिंग एंड इट रिजल्ट इन कल्टिवेशन ऑफ अनियन इन खरीफ सीजन ऑल्सो। यानी बहुत सारी ऐसी वेराइटी भी रिलीज की गई है अनियन पर रिसर्च करके जो कि खरीफ सीजन के लिए भी सुटेबल है। मैंने वेराइटी वाले उसमें बताया था कि महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ ने, मैंने कुछ जो है अनियन की खरीफ वेराइटी रिलीज़ की है, तो उसमें जैसे ये है N53, निषाद 53, एग्रीफाउंड डार्क रेड, बासवन 780 और अलका अर्का कल्याण, ये सब वेराइटी रेनी सीजन के लिए सुटेबल है। और एक बात, इस इन चारों वेराइटी का नाम आप ज़रूर याद रख लीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में टिक मार्क करने के लिए आ जाता है कि इनमें से अनियन की कौन सी वेराइटी है जो खरीफ सीजन के लिए। तो बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ही वेराइटी अनियन की खरीफ सीजन के लिए है और वो यही है N53, एग्रीफाउंड डार्क रेड, बासवन 780 और अर्का कल्याण। ये चारों वेराइटी अपने टिप पर याद रखिए। इसके अलावा बाकी जो है उन सबको रबी सीजन के लिए आप जो है अपने आप याद रखिए। ठीक है, तो रेनी सीजन की क्रॉप के लिए हमने बताया था कि जो है इसकी नर्सरी कब करते हैं, मई या जून में हम कर देते हैं, अगस्त में ट्रांसप्लांट कर देते हैं और दिसंबर से लेके जनवरी में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है ना। यानी जब हम जिस वक्त हम रबी सीजन का अनियन बो रहे होते हैं, फील्ड में ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, उस समय खरीफ सीजन के अनियन की हार्वेस्टिंग होती है ना। और उस समय प्याज इतना महंगा भी होता है कि खरीफ सीजन का अनियन बड़ी जल्दी से उस टाइम पर जहाँ पर जहाँ जहाँ उगाया जाता है वो वहीं पर उसकी बिक्री हो जाती है। और अपने नॉर्थ इंडिया में रेनी सीजन की क्रॉप हम लोग नहीं लेते हैं, इसलिए हम लोगों को अनियन को लेकर के यहाँ पर महंगा प्याज हमको खरीदना, मतलब प्याज की महंगाई जो है दिसंबर जनवरी में आप देखिए प्याज बहुत महंगा हो जाता है, क्योंकि उस समय प्याज रह नहीं जाता। और जो खरीफ सीजन का है वो साउथ में होता है, तो वो वहीं पर कंज्यूम हो जाता है, इधर नहीं आने पाता, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इधर भी रेनी सीजन का अनियन का कल्टीवेशन स्टार्ट कर दें तो यहाँ पर भी थोड़ा जो ये प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है या एक टाइम पर अनियन की जो कमी हमें महसूस होती है वो नहीं होगी। खरीफ सीजन की ईल्ड जो है रबी से कम होती है, 15 से 20 टन पर हेक्टेयर ही रहती है। ग्रीन अनियन क्या होता है? ग्रीन अनियन जानते हैं आप लोग, जो हरा वाला सागा प्याज जो होता है उसे ग्रीन अनियन बोलते हैं, ठीक है। स्प्रिंग अनियन भी बोलते हैं, क्योंकि वही वो जनवरी फरवरी मार्च में ही, जनवरी लास्ट फरवरी मार्च से जो है आने लगता है स्प्रिंग अनियन, उसको ग्रीन अनियन भी बोलते हैं। इसका भी कल्टीवेशन, ये भी बहुत महंगा मिलता है, क्योंकि उस टाइम पर प्याज जो है बहुत, वो भी बहुत महंगा होता है। जो ये प्याज का उस टाइम पर आप देखिए तो जो कॉमन अनियन है, डोरमेंट अनियन है बल्ब, उस वो बहुत महंगे बल्ब वाले अनियन, वो बहुत महंगे मिलते हैं। तो ज़्यादातर लोग ग्रीन अनियन से भी काम चलाते हैं और वो खाने में भी टेस्टी होता है, तो उसकी वो अलग तरह से उसकी सब्जी वगैरह बनती है, तो उसकी भी बहुत डिमांड रहती है मार्केट में, तो उसका भी कल्टीवेशन लोग अलग से करते हैं। तो ये वही है, कंजप्शन ऑफ ग्रीन ऑनियन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ ड्राई, ड्राई के बराबर ही इसका भी कंजप्शन वर्ल्ड में होता है। ग्रीन अनियन प्रोडक्शन के लिए बीज, अगर आप ग्रीन अनियन का से की फसल लगाना चाहते हैं तो सीड को अगस्त में आप बो दीजिए, है ना। अगस्त में बीज नर्सरी डाल दीजिए, अगस्त सितंबर 2 महीने में नर्सरी तैयार हो जाएगी, अक्टूबर में ट्रांसप्लांट कर दीजिए, और फिर उसकी 75 से 80 दिन में ही, मतलब जो है इमेच्योर जो टेंडर स्टेज में ही 75 से 80 दिन में अनियन को हार्वेस्ट कर लीजिए। यानी जनवरी जनवरी फरवरी में प्याज को उखाड़ लीजिए, तो उस समय आपको उसका रेट मिल जाएगा। तो उसके लिए जो सुटेबल वेराइटी है वो है अर्ली ग्रेनो, पूसा वाइट फ्लैट, पूसा वाइट राउंड, ये 3 वेराइटी जो है जनरली ग्रीन अनियन के पर्पस से जो है आप ग्रो कर सकते हैं। इसकी ईल्ड जो होती है वो 40 से 45 टन पर हेक्टेयर होती है ना। तो ये 3 तरह के अनियन का कल्टीवेशन है। अगर आप एक ड्राई अनियन का, कॉमन अनियन जो हम लोगों ने देखा रबी सीजन वाला, फिर खरीफ का देखा, और फिर ये ग्रीन अनियन या स्प्रिंग अनियन का। नेक्स्ट है पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। अब हार्वेस्टिंग के बाद अनियन का को हैंडल कैसे करेंगे? हार्वेस्टिंग के बाद उसको मार्केट तक या कंज्यूमर के हाथ तक पहुंचने से पहले या स्टोर करने से पहले कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि
ऑनियन हार्वेस्टिंग ही सबसे पहले करेक्ट टाइम पे होनी चाहिए, यानी बहुत अर्ली हार्वेस्टिंग कर लेंगे, नेक फॉल स्टेज से पहले हार्वेस्ट कर लेंगे तो भी आप देखिएगा नेक रॉटिंग शुरू हो जाएगी, है ना, उखाड़ लेंगे जमीन से तो सड़ने लगे, और बहुत ज़्यादा लेट कर देंगे तो भी जो है वो स्टोरेज में वो बहुत जल्दी सड़ जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि प्रॉपर टाइम पर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये देखा गया है कि जितना भी अनियन हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है उसमें से 60 से 65% तो हमारी इंटरनल मार्केट में ही कंज्यूम हम लोग कर लेते हैं, सिर्फ 5% हम लोग बाहर एक्सपोर्ट करते हैं विदेशों में, और बाकी जो हिस्सा बचा है वो आप समझ लीजिए पोस्ट हार्वेस्ट डैमेज में चला जाता है। तो देखिए ये कितना बड़ा नुकसान है, मतलब अगर मान लीजिए कि 100 किलो प्याज हुआ है तो 100 किलो में से 30 से 40 किलो के आसपास प्याज का नुकसान हार्वेस्टिंग के समय कुछ हो जाता है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन के समय हो जाता है, कुछ मंडी में लॉस हो जाता है, फिर कुछ किसान सॉरी जो रिटेलर होते हैं उनके तक पहुंचते पहुंचते नुकसान हो जाता है, सड़ते रहता प्याज, स्टोरेज तो नहीं रहता क्योंकि प्याज बिकने में लगभग लंबा समय लगता है ना, एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचते पहुंचते कुछ कुछ एक एक दो दो करते करते लगभग 30 से 40% तक नुकसान हो जाता है ना, सड़ते भी रहते उसमें, और फिर फाइनली कंज्यूमर तक बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो है, मतलब 60 से 65% तक ही कंज्यूमर तक पहुंच पाता है, यानी देखिए 30 से 40% तक पोस्ट हार्वेस्ट डैमेज होता रहता है, ठीक है। तो उसको भी रोकना है, तो उसको रोकने के लिए भी बहुत सारे स्टेप हैं कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए कि किसी तरह का डैमेज ना हो, है ना, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हार्वेस्टिंग हाँ जब हम सही टाइम पर कर लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करता है किसान, अनियन को क्योर करता है, क्यूरिंग। क्यूरिंग क्या होता है, क्यूरिंग होता है अनियन को शेड में, अनियन को हार्वेस्ट करने के बाद उसको हफ्ते भर या 15 दिन के लिए छाए में रखा जाता है किसी शेडी लोकेशन में, जिससे कि अनियन की जो ऊपरी ऊपर की लीफ स्केल है, मतलब ट्यूनिक है जो उसकी ड्राई मेम्ब्रेन है, मतलब ऊपर ऊपर की जो लीफ जो मेम्ब्रेन मतलब इस ट्यूनिक बनाती है वो ड्राई हो जाए, अनियन में एक्स्ट्रा जो वाटर का मॉइस्चर है वो सूख जाए, है ना, क्योंकि अगर वो नहीं सूखेगा या जहाँ पर जब आप अनियन को हार्वेस्ट करके लाते हैं तो अनियन को नेक से अलग करते हैं ना, ड्राई लीफ को बल्ब से अलग करते हैं, काटा जाता है, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा अगर थोड़ा सा भी ग्रीन जो है नेक रह गया है और वहाँ पर मॉइस्चर है तो वहाँ पर तुरंत जो है पैथोजन का अटैक होगा और वो सड़न शुरू हो जाएगी, तो इसलिए उसको थोड़े दिन छाया में रखते हैं, सुखाते हैं, उसके एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है उसकी सरफेस से जो है वो हट जाए। साथ ही साथ फील्ड का गर्मी जो ज़मीन की जो जब फाइनली फील्ड पे हाँ ले करके आते हो तो प्याज बहुत गर्म रहती है ना, सॉइल टेम्परेचर हाई रहता है तो उसकी वजह से पूरे उस बल्ब में हीट फील्ड रहती है, तो उस हीट को भी बाहर निकालना होता है, तो मॉइस्चर को और हीट को कम करने के लिए हम क्यूरिंग करते हैं शेड में रख करके। देखिए ना सेकेंड पॉइंट में लिखा है द बल्ब शुड बी एडिक्वेटली क्योर्ड फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ स्किन कलर, जिससे बल्ब की जो ऊपर की स्किन होती है उसका कलर भी अच्छे से डेवलप हो जाता है, रिमूव फील्ड हीट, फील्ड की गर्मी भी हट जाती है ना, और मॉइस्चर भी चला जाता है, तो उससे स्टोर करना बहुत आसान हो जाता है। इट इज़ डन कब तक किया जाता है, टिल द नेक इज़ टाइट, जब तक नेक जो है टाइट रहती है और आउटर स्केल या आउटर जो मतलब जो प्याज का छिलका है वो एकदम पूरी तरह सूख ना जाए। बल्ब्स आर क्योर्ड आइदर इन फील्ड और इन ओपन शेड और बाई आर्टिफिशियल मीन्स बिफोर स्टोरेज, फील्ड में भी कुछ लोग कर सकते हैं है ना, या शेड में करिए या आर्टिफिशियल तरीके से गर्म हवा पास करके भी जल्दी सुखा सकते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्योरिंग के मेथड है, मतलब ये नहीं कि हार्वेस्टिंग करके लाएं और तुरंत उसको बोरे ओरे में भर दिया, मतलब हार्वेस्टिंग से और पैकेजिंग के बीच में जब हम उसको ओपन कंडीशन में शेड में हम जो रखते हैं तो वो प्रोसेस कहलाती है क्योरिंग। फिर उसके बाद है स्टोरेज, आफ्टर क्यूरिंग बल्ब्स आर स्टोर्ड इन वेल वेंटिलेटेड रूम्स बाई स्प्रेडिंग देम ऑन ड्राई डैम्प प्रूफ फ्लोरिंग और रैक्स, उसके बाद हम उसको एक वेंटिलेटेड कमरे में हमें स्टोर करना होता है सूखी जगह पर, वेंटिलेशन हो मतलब हवा अच्छी खासी पास होनी चाहिए, वेंटिलेशन नहीं होगा तो अनियन सड़ने लगेगा, ठीक है ना, तो इस एकदम खिड़की मतलब खिड़कीदार एक कमरा होना चाहिए,
और जो है रैक, ये तो जमीन में कर दीजिए, या जमीन से बेहतर होता है रैक। रैक पर, रैक कैसी होनी चाहिए, परफोरेटेड, जिसमें बेस में जाल जाल सा बनाओ, उसके ऊपर प्याज रख दो। क्या होता है कि चारों तरफ से एयर सर्कुलेशन रैक पर जो है बना रहता है, तो अनियन जो है सड़ते सड़ने नहीं पाती। साथ ही साथ पीरियोडिक टाइम, मतलब थोड़े थोड़े दिन पे जो है चलाते घुमाते रहना चाहिए अनियन को, जो है उलटते पलटते रहना चाहिए, और वहाँ उसमें जो सड़ने लगे हों उनको हटाते रहना चाहिए। स्टोरेज में इस तरह से अनियन को हम स्टोर करते हैं। अनियन में एक और प्रॉब्लम होती है कि जैसे जैसे जो है बरसात का टाइम जब आने लगता है, बरसात, तो आप देखिए प्याज उगने लगती है, तो स्टोरेज में प्याज उगे नहीं, इसलिए आप स्टोर करने से पहले अनियन को 2000 से 2500 PPM का मैलिक हाइड्राजाइड का सॉल्यूशन बना करके, या पाउडर उसका, या सॉल्यूशन ही अनियन के लॉट पर स्प्रे कर दीजिए, और तब उसको स्टोर में रखिए। मैलिक हाइड्राजाइड क्या है, ये एक एंटी जिब्रेलिन हार्मोन है, एक ऐसा एंटी जिब्रेलिन, मतलब जिब्रेलिन आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में मैंने बताया था, जिब्रेलिन एक प्लांट हार्मोन है जो कि ग्रोथ को, ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना। तो एंटी जिब्रेलिन हम डाल देते हैं, तो एंटी जिब्रेलिन क्या करता है कि अनियन को स्प्राउट नहीं होने देता स्टोरेज में, है ना। मैलिक हाइड्राजाइड ये एंटी जिब्रेलिन है, MH 2000 से 2500 PPM इस रेंज का सॉल्यूशन बना के स्प्रे करते हैं, तो स्टोर में प्याज उगने नहीं पाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली हम इजी लिख दिया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनियन की स्प्राउटिंग को रोकने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, तो ये लिखिएगा मैलिक हाइड्राजाइड, और अगर पूछे कितना अप्लाई करेंगे तो लिखिए 2000 से 2500 PPM। ठीक है, रॉटिंग और स्प्राउटिंग को स्टोरेज में ये रोकता है। तो इस तरह से ये अनियन का पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग है। अब आइए इसकी डिजीजेस देखते हैं। अनियन में देखिए पहली वाली इमेज में आप देखिए नर्सरी, ये नर्सरी से रिलेटेड डिजीज है। देखिए पहली वाली जो पिक्चर है वो नर्सरी में, देखिए अनियन लाइन में सोइंग किया गया था बीज, लेकिन 2 महीने में नर्सरी तैयार होने से पहले ही देखिए पौधे जो है मरने लग रहे हैं। ये एक्चुअली डैम्पिंग ऑफ डिजीज है ना, डैम्पिंग ऑफ जो रिजोक्टोनिया जो है फंगस की वजह से होती है, फंगल डिजीज है, उसी की वजह से ये डैम्पिंग ऑफ होती है। देखिए ये सेकेंड वाली में जो मैंने दिखा रखा है नज़दीक से, कि एक सिंगल सीडलिंग देखिए कैसे ये जो है बीज से उगा और उसके बाद ऊपर से ये ड्राई हो गया, देख रहे हैं वहाँ पर। तो ये फंगस क्या करता है कि जो है पत्तियों को बीज से सर्कुलर फॉर्म में वहाँ पर उसको जो है इन्फेक्ट कर देता है, और वहाँ से पत्ती जो है ड्राई होनी शुरू हो जाती है, और अल्टीमेटली सीडलिंग गिर जाती है। तो इसीलिए नर्सरी के लिए, नर्सरी में जब भी हो तो जो सीड बेड आप बनाएं उसमें उसको प्रॉपर सोलराइज कर लीजिए, या फिर उसमें भी फंजीसाइड का सॉइल ट्रीटमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि जब आप नर्सरी में बीज डालें तो बीज में डैम्पिंग ऑफ की प्रॉब्लम ना हो। दूसरी डिजीज देखिए प्लांट में लगती है पर्पल ब्लॉच, आपने देखा होगा अनियन के पौधे में इस तरह के बैगनी बैगनी रंग के जो है स्पॉट पड़ जाते हैं, तो वो पर्पल ब्लॉच डिजीज है, जिसको बोलते हैं अल्टरनेरिया पोराई। इसको कैसे जो है क्योर करते हैं, ये हमने PDF में दे रखा है, वहाँ से जो है डिटेल आप इसको पढ़िएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये जो है फोर्थ इमेज है जो नीचे, ये पर्पल ब्लॉच नहीं है, ये है इस, ये नाम यहाँ पर गलत हो गया है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ये है स्टेमफीलियम ब्लाइट, स्टेमफीलियम ब्लाइट है ये, ठीक है ना। तो ये भी जो है देखिए किस तरह से पत्तियों में येलोइशनेस हो करके पत्ती जो है पूरी तरह से सूख गई है, तो ये भी जो है एक तरह से झुलस जाती हैं पत्तियाँ। तो एक ये भी रोग है जो प्याज में लगता है। उसके बाद ये नेक्स्ट देखिए पांचवी इमेज में अनियन स्मट, ये भी एक फंगस है ना, स्मट फंजाई होता है ये भी। ये एक ऐसा, मतलब इसमें देखिए ये जो ब्लैक ब्लैक कलर से हैं ये उसके स्पोर्स हैं, बल्ब में लगे हैं। आपने कभी देखा होगा प्याज, कभी कभी ध्यान दीजिए, अगर जब प्याज आप किचन में आप कभी कभी काटिए देखिए, तो उसकी स्किन के नीचे ब्लैक ब्लैक कलर का पाउडरी मास आपको मिलता है, तो वो अनियन के वो उसी पैथोजन के स्पोर्स हैं, जो फील्ड में जो जिस प्याज में अनियन स्मट की डिजीज लग जाती है, तो हार्वेस्टिंग के बाद भी उसके स्पोर्स बल्ब में बने रहते हैं,
तो वही है, जब आप किचन में काटते हो तो कभी कभी प्याज की जो लेयर्स हैं उसकी स्केल्स के नीचे जो है ब्लैक ब्लैक कलर का पाउडरी मास मिलता है, ऊपर की ही स्केल्स में जो ड्राई मेम्ब्रेन है ट्यूनिक के जस्ट नीचे या एक या दो लेयर और नीचे आपको ब्लैक पाउडरी मास मिलता है, वो अनियन इसमें डिजीज के स्पोर्स हैं, फंगस के स्पोर्स हैं। और नेक्स्ट है, लास्ट है नेक रॉट। नेक रॉट आप देख रहे हैं ये अनियन में, है ना, ये भी ये तभी होता है जब आप इमेच्योर स्टेज पर आप जो है अनियन को हार्वेस्ट कर ले रहे हैं, है ना, नेक पूरी तरह से ड्राई नहीं होने पाई है, नेक फॉल स्टेज नहीं हो पाया था, ड्राई होके गिरा नहीं था और आपने हार्वेस्ट कर लिया। तो जब आप वहाँ से प्याज को अलग करते हैं बल्ब को, तो ये इतना पोर्शन जो है गीला रहता है, तो यहाँ पर तुरंत जो है इंसेक्ट का, सॉरी पैथो फंगस का और बैक्टीरिया का अटैक होता है और वो यहीं पर उसको सड़ाने लगता है। तो ऐसा भी आपने देखा होगा प्याज वगैरह किचन में जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो इस तरह के भी हम लोग को अनियन मिलते हैं, तो ये नेक रॉट डिजीज़ है। तो इस तरह की इतनी कॉमन टाइप की अनियन में डिजीज़ पाई जाती है जिसका डिटेल PDF में है, उसको क्योर करने का तरीका, तो उसको आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा। बाकी कोई अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे डायरेक्टली पूछिए, हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको फिर से बताएंगे। लेकिन अच्छे से पढ़िए, कोई भी टॉपिक नहीं समझ आता है तो बताइए, हम उसको फिर से बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।